सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.1 मैंने पहले ही आपको सॉल्व कर दिया हूँ। अब बारी है प्रैक्टिस सेट 2.2 की, जहाँ पर आता है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या आता है? फैक्टराइजेशन मेथड। और ये पहला उसका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के जरिए से मैं आपको बताऊँगा फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत सिंपल बताऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। बस बने रहिए और आप इसके इसके एंड तक, इस वीडियो के एंड तक आप समझ में आ जाएंगे कि फैक्टराइजेशन कितना इजी और क्या चीज़ है। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं। देखो मेरे पास ये इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू जीरो, ये उसका इक्वेशन है। हाँ, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक्स स्क्वायर को देखना चाहिए, जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके साथ नंबर क्या है। यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। लिख लो यहां पे 1, साइन 1 की प्लस है। ठीक है, और आखिरी में जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो नंबर लो, जैसे यहाँ पे प्लस 54 है। तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। वन मल्टीप्लाई 54 क्या आएगा? ऑब्वियसली 54 आएगा। ऑब्वियसली क्या रहेगा? 54। तो ये मुझे नंबर मिल गया। अब ये नंबर से हमको दो, अब समझ लो दो ऐसा नंबर चाहिए जब उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये आंसर मिले, और जब उन्हीं दो नंबर में प्लस या माइनस जो भी करूंगा तो मुझे ये आंसर मिले। समझ में आया? प्लस भी कर सकते हो या माइनस भी कर सकते हो, बस आंसर ये आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है ये आप देखो। अब आप देखो 54, आपको सबसे पहले फैक्टर्स देखना पड़ेगा। 1 के टेबल में आता है 54, ऑब्वियसली आता है। 2 के टेबल में आता है 54, ऑब्वियसली आता है। 3 के टेबल में कितने पे आएगा? 18 पे। 4 के टेबल में कितने पे आएगा? 4 के टेबल में 54 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है 4 के टेबल में। ठीक है, 6 के टेबल में आएगा 9 पे। तो देखो इतने फैक्टर्स आ गए आपके 54 के। ठीक है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, 9, 18, 27, 54। लेकिन हमको यहाँ पर क्या चाहिए? पेयर चाहिए, दो ऐसा नंबर चाहिए जब उसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 54 आए, और प्लस माइनस करूँगा तो ये आना चाहिए। अब आप देखो 54 वन सा 54 होगा, लेकिन प्लस माइनस करूँगे 54 में से एक गया या 54 प्लस 1 करूँगे तो 15 आंसर नहीं आ रहा है। तो ये वाला हमारा वो पेयर नहीं है। अब दूसरा चेक करते हैं, ये दोनों का भी मल्टीप्लाई 54 है लेकिन 27 में से 2 गया तो 25 आएगा, और प्लस कर देंगे तो 29। तो ये भी हमारा ऐसा नंबर नहीं है जिससे 15 आ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे ये दोनों में से कोई भी एक नंबर ले सकते हो। ठीक है, कोई भी एक नंबर से ले सकते हो, जैसे 18 3 का क्या आएगा? 18 3 का 54, और 9 6 का 54। 18 में से 3 माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा? -15। 9 में से 6, 9 को 6 से प्लस कर दूंगा 54 आएगा। लेकिन ध्यान यहां देना है क्या, आप देखो हमको क्या चाहिए? 54 चाहिए। कब? दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या चाहिए? 54 चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों पेयर है, लेकिन प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए? -15। ठीक है, अगर मैं 18 ले रहा हूं, 18 और 3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 18 में से 3 माइनस करना पड़ेगा ताकि 15 आए। लेकिन मतलब एक प्लस में रखना पड़ेगा और एक माइनस में रखना पड़ेगा, तभी तो 15 आएगा ना। कोई भी, जैसे ये वाला अगर तुम देखोगे -15 के लिए, तो बड़ा माइनस रहना चाहिए, अब छोटा प्लस रहना चाहिए, ये आना चाहिए। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आंसर माइनस में आएगा, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर क्या है? प्लस में है। तो 18 × 3 भी नहीं ले सकते हो, तो आपने क्या लेना है? 9 × 6, क्योंकि ये एक ही पेयर है जिससे ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा? 54। मुझे क्या चाहिए मल्टीप्लाई में? 54। 54 प्लस में है। अब दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसका आंसर प्लस में चाहिए, तो उसका आंसर तब ही प्लस में आता है जब दोनों नंबर के साइन क्या है? सेम हो। दोनों नंबर की साइन क्या हो? सेम हो। या तो दोनों नंबर की साइन प्लस होना चाहिए या तो दोनों नंबर की साइन माइनस होना चाहिए। तो क्या रखना है? दोनों पॉसिबल है, उसके लिए आपको यहां देखना है। कहां पर? यहां पर प्लस माइनस करने पे क्या आंसर आना चाहिए? -15। मान लो मैंने दोनों को प्लस ले लिया तो 9 + 6 + 15 आएगा, तो ये पॉसिबल है क्या?
नहीं है, तो मुझे यहाँ पे दोनों माइनस लेना पड़ेगा। दोनों क्या लेना पड़ेगा? माइनस। अब देखो 9 6 54 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 54 आ रहा है। अब माइनस 9 माइनस 6 करेंगे माइनस 15x आएगा, तो मतलब ये वाला पेयर हमारा सही है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते, 1x2 लिखो या सिर्फ x2 लिखो एक ही बात है, ये 15x नहीं लिखना है, उसकी जगह ये दोनों लिखना है, माइनस 9x और माइनस 6x, लास्ट में ये 54 लिख देना है यहाँ पर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं तुमको एकदम खोल के बताता हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख सकते हैं ना, कोई भी नंबर को जब आप स्क्वायर कर रहे हो, कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर हो रहा है तो उसको दो बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। माइनस ये 9x आपका पहले से ओपन है, 6x भी वैसे ही है, 54 देखो ये यहाँ पर क्या है 6 है, तो 6 के टेबल में 54 कितने पे आएगा? 9 पे। तो देखो मैं इसको सिर्फ यहाँ पर खोल के मतलब इवेल्युएट करके लिख दिया हूँ। ठीक है, हाँ, अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, इधर से x और इधर से x, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, तो x को कॉमन निकाल दिया, यहाँ से एक x गया तो क्या बचेगा? एक x बचेगा, माइनस यहाँ से एक x गया क्या बचेगा? 9 बचेगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ। अब यहाँ से मुझे 6 बाहर निकालना है और ये माइनस 6 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बच रहा है अंदर ब्रैकेट में? x बच रहा है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ से 6 बाहर निकल रहा तो क्या बचेगा? 9 बचेगा, लेकिन ये प्लस है, तो बहुत सारे लोग क्या कर देंगे, यहाँ प्लस डाल देंगे। ऐसा नहीं होता है, ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस निकलता है तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है, यहाँ प्लस है तो उसको चेंज करके क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, उसको चेंज करके क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, x माइनस 9, ये दोनों कॉमन है, तो इसको एक ही बार लिख देंगे, x माइनस 9 कॉमन बाहर निकाल देंगे, तो दूसरी ब्रैकेट में ये लिखना है x माइनस 6, और ये इक्वेट हो रहा है 0 के साथ। ये इक्वेट क्या हो रहा है? 0 के साथ। तो आपके पास क्या आया, x माइनस 9 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, क्या अलग करूंगा, x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, माइनस 9 को इधर लेकर चले जाएंगे, क्या करेंगे, माइनस 9 को इधर लेके चले जाएंगे, माइनस 9 को अगर मैं वो साइड लेके जाऊंगा तो प्लस 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 9। और माइनस 6 को उधर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक है आपकी प्लस 9 और एक है आपकी प्लस 6। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स आएंगे, वैसे ही यहाँ पर दो रूट्स आ गए, x = 9 x = 6, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए।